किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना? कहाँ चले गए? आपने आप बैठे हैं, अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है, बिलावल साहब को मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, प्लीज उसके बाद दे रहा हूँ आपका किस्सा मैं भी छेड़ दूँ, कुछ रिवायत आना चाहता हूँ, वो बात करके चले कहाँ गए? तशरीफ ले आए, मैं दावत करता हूँ, आए आ जाए आ जाए आ जाए, मैं कहता हूँ बिलावल साहब आप एड्रेस एड्रेस में आए ना, आ जाए यहाँ प्लीज आके बात सुने, आपने जवाब की है, आपने बात की है प्लीज सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, आप मुझे मौका दे रहे हो ना, आप मुझे हाउस ऑर्डर करें तो बात करूंगा। जी जी नहीं नहीं आप मुझे तरीका ना समझाए, बस आप प्लीज बात करें, बात करें इसके बाद मैं दूंगा जी, इसके बाद बात करें जी प्लीज। जनाब स्पीकर मैं दे रहा हूं ना जनाब, उसको दे रहा हूं ना, ये तो आप नहीं है क्या मुझे इस तरह डिक्टेट करें उस सर से, प्लीज आप उधर पेश प्लीज बात करें। जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर यार इसके बाद दे रहा हूँ इस तरह मुझे डिक्टेट ना करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अपॉर्चुनिटी देनी है ना जी प्लीज। जनाबे वाला मैं उनकी गुफ्तगु सुनकर आपको मौका मिल जाएगा, बात करें एक सेकेंड जनाब स्पीकर, जनाब एक सेकेंड दे रहे जनाब स्पीकर, एक मिनट जवाब दे रहा हूं यार, सुन लो सुन लो जनाब स्पीकर, इन्होंने सुन ले इन्होंने अपनी बात पर कायम नहीं रहना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये मौका लेना चाहते हैं तो दे दे, मैं फिर भी जवाब दूंगा, दे दे इनको मौका, मैं जवाब दूंगा, दे दे मौका। जी असद महमूद साहब जी।